हेलो एवरीवन, श्रीमती महरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजरी कंट्रोल से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स की, जिनकी सहायता से जो बजट नियंत्रक जो होता है उसको किसी अच्छे निर्णय लेने में मदद मिल सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है इसके लिए वो है कंट्रोल रेशियो। तो कुछ रेशियो भी ऐसे होते हैं जिससे कि जो बजट का जो नियंत्रक होता है, जो प्रबंध अधिकारी होता है, बजट नियंत्रक अधिकारी होता है, उसको कहीं ना कहीं निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तो इसके लिए कुछ रेशियो है जिन्हें हम एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो के नाम से हम जानते हैं। तीन मुख्य यही अनुपात है जिनकी सहायता से कंपनी है जो कोई अच्छा डिसीजन ले सकती है। इन तीनों में होता क्या है कि इनमें जो बजटेड हमें जो अनुमान दे जो हमें मिले हैं और हमें जो वास्तविक जो परिणाम मिले हैं, इनके बीच में जो चेंजेज आए हैं उनको आंकलन करके और हमारे जो अच्छे के लिए, जो कंपनी के लिए, जो संस्था के लिए जो अच्छे के लिए होता है उस ओर बढ़ा जा सकता है। तो इस तरीके से ये अनुपात तीनों हमारे क्या होते हैं, हमारे लिए होते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो इस तरीके से आज हम इन तीनों ही अनुपातों की गणना करेंगे जो किसी बजट नियंत्रक के लिए जो बहुत ही फायदेमंद वाली चीजें होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो। नंबर वन है एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो के लिए, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं एक्टिविटी रेशियो के लिए। स्टैंडर्ड हाफ फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इसके लिए स्टैंडर्ड हाफ हमें जो दिए होते हैं और एक्चुअल जो प्रोडक्शन दिया होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके ये जो पूरी राशि निकालते हैं। इसकी बजट हाफ में जो क्वेश्चन में दिए होते हैं वो लिखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये अनुकूल कब होता है और प्रतिकूल कब होता है। तो यदि ये 100% से ज़्यादा है, यदि 100 से ज़्यादा आता है तो ये अनुकूल होता है, यदि 100 से कम आता है तो ये प्रतिकूल होता है। तो इस आधार पे बजट जो नियंत्रक होता है वो अपना एक अच्छा निर्णय ले सकता है। तो इसके बाद में जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो है कैपेसिटी रेशियो। इसके लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो है एक्चुअल पावर वर्क अपॉन बजटेड पावर। इससे संस्था की कैपेसिटी के बारे में पता चल जाता है और इससे कार्यकुशलता या क्रियाशीलता के बारे में पता चल जाता है। और जो थर्ड है वो आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी रेशियो के लिए जो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं वो है स्टैंडर्ड हावर और एक्चुअल प्रोडक्शन। तो इस तरीके से इन तीनों फॉर्मूलों को हम काम में लेते हैं। और अब इन तीनों फॉर्मूलों को किस तरीके से काम में लिया जाता है इसके लिए हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप समझ पाओगे कि इन तीनों फॉर्मूलों के द्वारा जो सारी चीजें हैं किस तरीके से निकाली जाती है। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जिससे आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है 85 यूनिट्स और दूसरी जो चीज़ दे रखी है वो स्टैंडर्ड हाफ पर यूनिट है 10 और एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है 75 यूनिट्स और एक्चुअल हाफ वर्किंग है वो 600 हावर है। तो इस तरीके से इन सभी आंकड़ों के द्वारा हम तीनों इन फॉर्मूलों में 1 by 1 ये सभी टॉपिक को रखते हैं और ये क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखते हैं कहाँ हमारा फेवरेबल आता है, कहाँ अनफेवरेबल आता है। तो सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो चेक करते हैं। तो एक्टिविटी रेशियो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो मैं यहाँ नंबर ए एक्टिविटी रेशियो का यहाँ लिखा हूँ नीचे। स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड हावर में दे रखे हैं 10, एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखे
75। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन परसेंट हावर। परसेंट हावर हमें दे रखे हैं, स्टैंडर्ड तो ये है और ये 85 यूनिट है पर हावर है, तो 85 को 10 से गुणा करेंगे 850 आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ लिखते हैं 10 × 85। तो इनको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, 750 × 850। अब इनको हम चेक कर लेते हैं, तो ऐसे इसको देखने से पता चलता है कि ये अनफेवर है। क्यों? क्योंकि ये राशि ऊपर वाले यदि इससे डबल होगी तभी 100% से ऊपर आना है, ठीक है, अदरवाइज नीचे होगा तो ये क्या आएगा, कम ही आएगा। तो ये 100% से कम ही आने वाला है, तो इसलिए ये क्या होगा, अनफेवर होगा। आ कितना रहा है ये हम कैलकुलेटर से निकाल के देखते हैं। ये आ रहा है 88.22। तो इस तरीके से ये क्या रहा, हमारे लिए अनफेवर में रहा है। दूसरा हमारा जो कैपेसिटी रेशियो है, ये हमारी एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी हमारी 100% नहीं है, उससे कम ही दिखाई दी है। अब हमारी जो कैपेसिटी, हमारी कार्यक्षमता के बारे में देख लेते हैं। कैपेसिटी रेशियो में एक्चुअल हावर वर्क, यानी एक्चुअल कितने घंटे काम होता है, तो ये देखेंगे हम एक्चुअल वर्किंग आवर दे रहे हैं 600। तो यहाँ लिख देते हैं हम 600 × बस्टेड हावर। तो बस्टेड हावर हमारे देखेंगे आप, तो बस्टेड हावर है वो 85 यूनिट्स है और ये 10 पर यूनिट हावर है, तो 10 और 85 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 × 85 आएगा 600 × 850 × 100। तो इसको भी हम कैलकुलेटर से निकाल के देखते हैं कि कितना आता है ये। तो इसकी जो राशि आती है वो आती है 70% के पास। तो इसका मतलब ये रेशियो भी हमारा क्या है, अनफेवरेबल है। फेवरेबल 100% से ऊपर हो तभी होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो रेशियो है वो है एफिशिएंसी रेशियो नंबर 3। एफिशिएंसी रेशियो के लिए वो जो फॉर्मूला लगे हुआ है, स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड हावर ये 10 यूनिट दे रखे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन 75 है, तो ये 20 वैसे देखें तो 750 आएगा, पर अलग अलग लिख देते हैं 10 × 75 कर देते हैं इसको। और नीचे आएगा एक्चुअल हावर वर्किंग, तो एक्चुअल हावर वर्किंग कितने हैं और 600 है, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं 600। तो इसको होते हैं 750 × 600 × 100। तो इसको थोड़ा भी आगे हल किया जाए तो देखते हैं कि कितना आता है इसका जो परसेंटेज है वो। तो इसका जो प्रतिशत आता है वो आता है 125%। तो इसका मतलब जो हमारा ये जो एफिशिएंसी है, हमारी जो कार्यकुशलता है वो क्या है, अच्छी है, वो 125% पे चल रही है। हमने अभी बात करी थी कि यदि 100% से कम आता है तो ये क्या मानते हैं, हम इसको अनफेवरेबल मानते हैं, और यदि 100% से अधिक आता है तो ये हमारे क्या होता है, फेवर में होता है। तो आप तीनों रेशियो से आप देख सकते हो कि क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी है, जो क्रियाशीलता है वो कितनी है, वो हमारी 88% ही है, ठीक है, 88 मान लेते हैं इसको, तो 88% में हमारी जो है ये है। इसके अलावा जो हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, जो हमारी कार्यकुशलता है उसके बारे में बात करें तो वो और भी कम आ रही है, ये 70.5 आ रहा है, 71 मान लेते हैं इसको, तो भी उससे बहुत कम आ रहा है। और देखें हमारी एफिशिएंसी, तो ये बहुत अच्छी आ रही है, तो ये आ रही है 125%। तो जो बजट नियंत्रक अधिकारी होता है इन सभी जो रेशियो को देख करके अपने लिए एक अच्छा जो रिजल्ट है वो प्रस्तुत कर सकता है। वो इधर इस साइड में देखेगा, यानी एफिशिएंसी को देखा कि नहीं अच्छी कंडीशन है, जो सिस्टम चल रहे हैं चलने दिए जाए, लेकिन जो एक्टिविटी लेवल है उसमें जो कमी आई है उसमें कहाँ हमें सुधार करना है वो उधर ध्यान देगा, और एक्टिविटी में जहाँ कमी आ रही है उसमें क्या करेगा, वो कुछ चेंज करेगा।
और जो संस्था के लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल होंगे। इसके अलावा कैपेसिटी रेशियो हमारा जो ये 70% आ रहा है, ये भी कम आ रहा है, तो इसमें भी क्या करेगा जो बजट नियंत्रक होता है वो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में चेंज करेगा, ठीक है, जो व्यवसाय के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो गए। और फायदेमंद होने का मतलब है तो ये दोनों रेशियो कहाँ आने चाहिए, 100+ आने चाहिए, तभी वो फायदेमंद होते हैं। इसलिए इन दोनों में भी कहीं ना कहीं जो प्रबंधक होता है, जो बजट नियंत्रक होता है, वो इन दोनों में जिन जिन चीज़ों में चेंज कर सकता है, जिनकी सहायता से संस्था के लिए कहीं ना कहीं जो फेवरेबल वाली कंडीशन आने वाली है उन चीज़ों में वो चेंज करेगा, और इन दोनों में वो क्या करेगा, फेवरेबल वाली जो है कंडीशन वो अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से हम जो कंट्रोल है, ठीक है, ये कौन से, ये रेशियो कंट्रोल, ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ रेशियो के द्वारा हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। और संस्था के लिए कहीं ना कहीं जो संस्था के लिए अच्छे के लिए होता है, उसके लिए एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।